तुलसी विवाह। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के महत्व, पूजन एवं मंत्र। वेद पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दिवाली के बाद आने वाली एकादशी को देव उठ जाते हैं, इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन किए गए सभी कार्य मंगल एवं शुभ होते हैं और रुके कार्यों में भी पुनः गति मिल जाती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष बातें। तुलसी विवाह का महत्व। देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह उत्सव भी कहा जाता है। तुलसी विवाह का महत्व हिंदू धर्म में इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन से ही शादी विवाह लग्न शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास के बाद अपनी नींद से जागते हैं। इस दिन श्रद्धालु कार्तिक स्नान करते हैं और माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से करते हैं। तुलसी विवाह एवं पूजन कैसे करें? देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह और विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। आइए जानें कैसे करें तुलसी पूजन। तुलसी के पौधे के चारों तरफ मंडप बनाएं, उस पर तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावने स्वाहा। इस मंत्र से तुलसी का आह्वान करें। घी का दीपक और धूप जलाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीप दान करें। एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर है। नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करना शुभ होता है। दिव्य तुलसी मंत्र। देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरे, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये। ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। इस मंत्रोपचार के साथ 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। आप सभी को तथास्तु इंडिया की तरफ से तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं।